राधे दोस्तों, मैं राधे कृष्णा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ बहनें हमारी बताई बोली हैं कि आप बृहस्पति भगवान का पूजा विधि बताइए और व्रत के बारे में बताइए। तो देखिए, जो भी बहनें व्रत करना चाहती हैं, उन्हें उस दिन शुभ मुहूर्त में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और व्रत का संकल्प अवश्य लें। बिना संकल्प का कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है। तो विष्णु भगवान के सामने जल तुलसी दल डाल करके हाथ में यूँ तरह ले करके आप जैसे देखिए इस तरह से लीजिए और बोलिए, हे विष्णु भगवान, आज हम व्रत रखे हैं। अपना नाम लीजिए और गोत्र का नाम लीजिए। उसके बाद जो मनोकामना हो वो बोलते हुए आप विष्णु भगवान से बोलिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो। और अगर नहीं मनोकामना है तो आप श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं तो वो भी बोलना चाहिए विष्णु भगवान से। और फिर जल को नीचे गिरा दीजिए। इस तरह से आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकती हैं। और फिर उस दिन पीला वस्त्र पहनने का बहुत महत्व है। आप पीला वस्त्र अवश्य पहने। मैं तो विधि बता रही हूँ, मैं पीला वस्त्र नहीं पहनी हूँ, फिर भी मेरे पास चुन्नी था तो मैं पीला डाल ली हूँ। उस दिन विष्णु भगवान को देखिए, विष्णु भगवान का पूजन में आप विष्णु केले के जड़ में विष्णु भगवान का फोटो रख करके इनका पूजन इस तरह से करें। अगर फोटो है तो आप आचमनी जल से थोड़ा थोड़ा डालिए, नहीं फोटो खराब हो जाएंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस तरह से आप इनका स्नान कराइए। पीला चंदन लगाइए और पीला पुष्प चढ़ाइए। पीला पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। मेरे पास उपलब्ध नहीं है फूल, तो आप लोग पीला फूल अवश्य चढ़ाएं। और केला का भोग लगाना नहीं भूलें, क्योंकि केला का भोग इनको बहुत प्रिय है। और इनके भोग में तुलसी पत्र, देखिए तुलसी पत्र अवश्य डालें। चना गुड़ और मुनक्का से इनकी पूजा करना चाहिए। और उसके बाद आप तुलसी दल इनके भोग में अवश्य डालें। और फिर तीन बार आचमनी, भोग लगाने के बाद तीन बार आचमनी करें, इनको जल से जल दीजिए। और फिर दहिने हाथ से गरुड़ घंटी दहिने हाथ से जरूर बजाना चाहिए। भोग लगने के बाद गरुड़ घंटी अवश्य बजाएं। और अगर आपको आता है तो आप गा भी सकती हैं, प्रेम से भोग लगा सकते हैं। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, बोलो श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग। ये बड़ा है भोग लगाने का गीत, मैं बता रही हूँ। अगर आपको जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नैवेद्य मन से अर्पित कर दीजिए। भोग लगाने के बाद कहानी पढ़ने का विशेष महत्व है। और इनको कपड़े के रूप में पीला वस्त्र चढ़ा सकते हैं। अगर कपड़ा नहीं है तो आप ये मौली मौली धागा इस तरह से लेकर के इनको अर्पित कीजिए। देखिए मौली धागा। और जब वस्त्र देते हैं तो इन्हें जल का छींटा फिर से देना चाहिए। और उसके बाद आप कहानी अवश्य पढ़िए। बृहस्पति भगवान की किताब मिलती है, आप कहानी इनका पढ़ें। उसके बाद आरती अवश्य करें। आरती जरूर करना चाहिए। बिना आरती करें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आरती आप इनको घुमाइए। आरती बृहस्पति देव किताब में आरती लिखा हुआ है, वो आरती गा करके आप आरती जरूर घुमाएँ। घुमाने के बाद जल इस तरह से घुमा करके इस तरह से आप आरती भगवान को देने के बाद अपने भी आरती लीजिए। और इनसे क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगें। अगर क्षमा प्रार्थना आपको संस्कृत में आती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिंदी भाषा में ही आप बोलें कि हे भगवान, जो हमसे गलती हुआ हो वो क्षमा कीजिएगा, हमारे पूजा में जो भी त्रुटि हो माफ़ कीजिएगा। इस तरह से आप लोग आरती कीजिए, माथा टेकिए इनके सामने और अपनी पूजा इस तरह से संपन्न करें। और उस दिन सेंधा नमक नहीं खाते हैं, जो भी व्रत रखती हैं बहनें उनको सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए। पीला ही भोग लगाएं। पीला भोग का मतलब बेसन का रोटी या हलवा आप खा सकते हैं। नहीं ये संभव है तो आटा में भी हल्दी डाल करके पूड़ी पराठा बना करके मीठा से ही आप खाएं। इस तरह से विष्णु भगवान का व्रत रखने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई वो नहीं है। तो राधे राधे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना